नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राज्य में धारा 420 के 1900 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी अब गंभीर दिखाई दे रहा है। पुलिस मुख्यालय ने मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर कठोर कार्यवाही की जा सके। ADG लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेश्वर ने बताया कि अब तक 1900 मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर मुख्यालय ने समस्त जनपदों को कार्यवाही करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश अनुसार 420 करने वाले जो हमारा प्रदेश में जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन थे, करीब 1900 केसेस पेंडिंग थे 420 पे, तो 24 फरवरी से हमने एक अभियान शुरू कराया। DGP साहब ने वो बनाया, तो उस पर यही कि हमारे इस अभियान के दौरान ये इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेडेट करना है, जिसपे जो अभियुक्त है जो सही में उसके खिलाफ जिसके एविडेंस आ रहा है, फिर उनको अकाउंट पार करना है, जैसे कि अरेस्ट करना या 41 नोटिस कराना है, वो करनी है और चार्जशीट कराना। तो इस अभियान फरवरी 24 से शुरू है, अभी 15 तारीख तक हमारे पास डेटा आ रही है, अभी और ये 2 महीने चलने का है। तो इस पे अभी देखने में आया है कि हमारा तरफ से जो कार्रवाई है वो करीब 150 लोग अरेस्ट हो गए, अकाउंट फार हो गए, और भी करीब 2900 लोगों के खिलाफ की वेरिफिकेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। हम इसको एक्सपेडेट करेंगे, इसको कल द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग भी करेंगे। एक बात यह आई कि कुछ इस पे आप, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस दिन मेरा अभियान शुरू कर रहे थे उस दिन जो 420 का पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है वो 1900 पूरा प्रदेश में शुरू से, हो सकता है वो एक साल पेंडिंग रहा होगा कोई केस 6 महीने होगा, कोई केस 2 साल में पेंडिंग रहा होगा, मोस्टली केसेस 1 साल के अंदर ही होता, क्योंकि हमने कई बार 3 ईयर्स के ऊपर के केसेस को हमने बहुत बार रिव्यू करा के बहुत काफ़ी नीचे लाए हुए थे। इट इज़ वो मे बी डेटा एग्जैक्टली नहीं है, बट इट वॉज ओनली 200 या उसी के पास होगा। तो ये मोस्टली जो 1900 केसेस में बोल रहा हूँ वो 1 ईयर या मैक्सिमम 1.5-2 साल के अंदर की होगी।